What's up guys, my name is Bilal. In this lecture, we learn update statement. जी हाँ guys, modifying data में अब हम देखेंगे update statement को. तो चलिए guys, शुरू करते हैं. तो first of all guys, update statement क्या काम करती है? Is used to update existing data in a table. तो गाइस नेम से ही पता लगता है कि आपका टेबल में डाटा एग्जिस्ट करता है और हम उसको अपडेट करते हैं. ओके, तो सिंटैक्स बिल्कुल गाइस सिंपल है इसका. अपडेट कर दो टेबल का जो भी नेम होगा. लेट्स से मेरे पास अभी के लिए जैसे कि स्टूडेंट है और स्टूडेंट डिपार्टमेंट है. ओके, और सेट कर दो उस पर कॉलम कॉलम टू. ठीक है, और कंडीशन वेयर कंडीशन. यहाँ पर गाइस अभी मैंने वेयर क्लोज का नहीं बताया कि वेयर क्लोज हम कहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको बस याद करना होगा कि बस एक वेयर कंडीशन भी है. ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आपको इसका समझ आ जाए कि हम वेयर कंडीशन क्यों यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो मैं इसको ओके यहाँ पर क्रोम पे आता हूँ और ये हमारा है PHP माय एडमिन में सर्वर मेरा ऑन है. ठीक है, और ये है XAMPP, तो मैंने पहले से ही गाइस को स्टार्ट किया हुआ है. ओके, और यहाँ पर देखिए हमने जो लास्ट टाइम डेटाबेस क्रिएट की थी, स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया था. ओके, डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट किया था. ओके, तो यहाँ पर आपको ये शो हो रहे हैं. तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम यहाँ पर एक रो हम जो है इंसर्ट करते हैं, मीन के हम डाटा इंसर्ट करते हैं. तो वो लास्ट टाइम वो मैंने बताया था, सिंपल मेथड था बिल्कुल. ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट के अंदर हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं. ओके, तो वैल्यू देंगे, यहाँ पर सिंगल डाटा है तो ये हम लेते हैं कि इसकी जो रो जो आईडी होगी वो 10 होगी. ओके, और जो नेम होगा वो हम करते हैं रेड. ओके, और इसका जो ब्रांच होगा उसको हम दे देते हैं कलर. ओके, और उसके बाद यहाँ पर जो मार्क्स में हम इसको दे देते हैं. ओके, यहाँ पर आई थिंक मार्क्स था और हमारे पास ओके यहाँ पर हम 0-0 कर देते हैं. ठीक है, और उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी हम इसको 5 कर देते हैं. ओके, और यहाँ पर सेमी कॉलन सेव. ओके, तो अगर गाइज आपको मालूम ना हो रहा हो कि स्टूडेंट डॉट, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी. ओके, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. ओके, तो हमने एक यानी कि रो इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है, गो करता हूँ. तो गाइज डाटा हमारा जो है वो इंसर्ट हो चुका है और आपको यहाँ पर यानी कि 10 उसका आईडी है, रेड है नेम, और यहाँ पर आपको स्टूडेंट ब्रांच दिखाई दे रही है और ये स्टूडेंट मार्क्स, और यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट 5. ओके, तो मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर जैसे कि आपको ये रेड दिखाई दे रहा है, मैं इसको कर दूँ ग्रीन. तो मैं इसको कैसे अपडेट करूँगा? ओके, तो गाइज अपडेट करने के लिए सिंपल आपने SQL पे आना है और यहाँ पर आप देखिएगा बिल्कुल सिंपल सिंटैक्स है. ठीक है, अपडेट. ओके, आप ओके यहाँ पर और टेबल का नेम अपडेट कर दो टेबल को. किस टेबल को? स्टूडेंट को. सेट करना है हमने. ओके, यहाँ पर सेट यूज़ करेंगे. ओके, तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर ताकि आपको ये सारा रीडेबल लगे. अगर वन लाइन लिखूँगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर सिंपल आपने सेट कर दो. क्या करना है? स्टूडेंट डॉट, अब ये स्टूडेंट का जो नेम है उसको सेट करना है. ओके, मैं कहता हूँ कि अभी के लिए क्या है, मैं कहता हूँ कि जो 10 रो है उसका जो नेम है वो हो जाए ग्रीन. ओके, तो पहले क्या है? रेड है. ओके, अब गाइज अगर मैं ऐसे ही क्यूरी को रन कर दूँ ना यहाँ पर, तो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट के अंदर डाटा है ना, जो यानी कि जहाँ जहाँ नेम है वो सब ग्रीन हो जाएगा. ओके, मतलब कि ये नाम ग्रीन हो जाएगा, कॉलम ग्रीन नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने वेयर कंडीशन का यूज़ करना है. आपने बताना है कौन सी रो पे ये डाटा यानी कि अपडेट हो. ओके, तो यहाँ पर अब यूज़ करूँगा मैं वेयर कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है वेयर और स्टूडेंट डॉट आईडी, कि उसके अंदर कौन सा आईडी का आपने डाटा अपडेट करना है. ओके, तो मैं बताऊँगा यहाँ पर 10 रो है उसका डाटा अपडेट कर दो. ओके, अगर गाइज ये लाइन नहीं लिखूँगा ना तो सबका वो ग्रीन होने वाला है. ओके, तो ये आपको चेक करके देख लीजिएगा. ओके, तो मैं गो करता हूँ. तो गाइज हमारा जो डाटा जो है वो अपडेट हो चुका है. ओके, ये देखें देखें ग्रीन पहले रेड था, अब ग्रीन हो चुका है. ओके, तो गाइज ये तो सिंपल. आप अगर आप मल्टीपल डाटा भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि कलर को भी, कलर को ग्रीन को ग्रीन, ये आपने नेम हो गया, ब्रांच को भी अपडेट कर सकते हैं. ओके ओके, तो यहाँ पर ये तो था एक सिंपल मेथड हमारे पास. ओके, तो मैं अगर इसको यहाँ से रिमूव करूँ
और फिर से मैं यहाँ पर अपडेट करूँ और यहाँ पर फिर मैं स्टूडेंट ओके और यहाँ पर सेट ओके और यहाँ पर स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम ओके और इसको मैं कह देता हूँ कि भाई तुम हो ग्रीन ओके ऑरेंज कर देते हैं आपके ऑरेंज और यहाँ पर कोमा देता हूँ और फिर लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट का जो ब्रांच है अब वो हम चेंज कर देंगे ओके स्टूडेंट का ब्रांच आई थिंक कलर है तो हम इसको ओके कॉल कर देते हैं ठीक है कॉल ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गाइस अब मैंने इतना काम हुआ अब मुझे लगाना है वेयर कंडीशन ठीक है वेयर कंडीशन यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी जो है 10 नंबर ओके सेमी कॉलन देना है ओके तो अब इसको मैं करूँ गो तो डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब आप देखेंगे गाइस देखें कलर क्या हो ब्रांच क्या हो गया कॉल और स्टूडेंट नेम क्या हो गया ऑरेंज ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे हमने ये रो ली है ताकि आपको समझ आ जाए। और गाइस यहाँ पर आप सेलेक्ट क्लोज का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने इंसर्ट में बताया था कि हम सेलेक्ट क्लोज का यूज़ यानी कि एक पूरे टेबल को उठा के हम एक दूसरे टेबल में डाटा डाल सकते हैं ठीक है। तो उस इसमें कैसे यूज़ करेंगे देखिए गाइस अपडेट कर दो ओके और स्टूडेंट को और सेट ओके और यहाँ पर गाइस देखें स्टूडेंट डॉट आप स्टूडेंट का सिर्फ नेम यहाँ पर मैं कहता हूँ ब्रांच का जो नेम है वो मैं चेंज करूँ ठीक है। अब ब्रांच जो है वो मैं कहता हूँ कि जैसे कि इसको मैं ऐसे करता हूँ ये स्टूडेंट ब्रांच है इसको मैं न्यू लिंक में टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर देखें वन इनकी आईडी है 1 2 3 4 5 ठीक है और ये BSIT 1 पे है 2 आईडी पे क्या है BSCS है और 3 पे MS फिजिक्स और MS मैथ ओके। तो अब हमने इनको अपडेट करना है मैं कहता हूँ कि हमारी जो स्टूडेंट डॉट ब्रांच है जहाँ पर अभी के लिए जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ठीक है तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ ऐसे सिंपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपको BSIT दिखाई दे ओके यानी ब्रांच की जगह क्या BSIT दिखाई दे ठीक है सिंपल। अगर मैं अभी के लिए करके दिखाऊँ आपको तो BSIT ओके वेयर ओके स्टूडेंट डॉट जो आईडी है वो 10 है ओके सेमी कॉलन सेव और अब मैं रिफ्रे गो करूँ तो आप देखिएगा वहाँ पर जो ब्रांच है ना वहाँ पर आ जाएगा BSIT ओके। मैं चाहता हूँ कि मैं फेच करूँ डाटा कहाँ से डिपार्टमेंट से यहाँ से अब मैं BSCS को फेच करूँगा सेलेक्ट क्लोज के थ्रू ओके। तो वो कैसे हम करेंगे अब यहाँ पर देखें मैं फिर से वही अपडेट लिखूँगा यहाँ पर ओके अपडेट कर दो स्टूडेंट को ओके सेट ओके और यहाँ पर देखें स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट का जो ब्रांच है ओके। तो अब यहाँ पर गाइस मैं सेलेक्ट क्लोज को यूज़ करूँगा ठीक है नेस्टेड क्यूरी हम बोल सकते हैं यहाँ देखें सेलेक्ट कर लो सेलेक्ट क्या करो गाइस STD से डॉट लिखूँगा यहाँ से मुझे क्या डिपार्टमेंट का नेम चाहिए ठीक है फ्रॉम। तो गाइस अगर आप ये यूज़ ना करें तो कोई बात नहीं ठीक है ये इसलिए है क्योंकि आप देखिए मैं जैसे मैंने टेबल का नेम लिखा और डॉट प्रेस करता हूँ तो मुझे बता देता है कि आपके टेबल में कॉलम कौन कौन से हैं ओके। तो फ्रॉम कहाँ से हम बात कर रहे हैं हमारे टेबल का नेम है STD डिपार्टमेंट और यहाँ पर बताना पड़ेगा वेयर जो STD डिपार्टमेंट डॉट जो उसकी आईडी है वो क्या है 2 है ओके। मीन कि ये हमें जो जो आईडी नंबर 2 पे जो डिपार्टमेंट नेम है वो फेच करके देगा मीन कि यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर BSCS राइट किया हुआ है ओके ओके। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ सेमी कॉलन यहाँ नहीं देंगे और यहाँ पर हम अब कंडीशन लगाएंगे वेयर कंडीशन हम किस रो को अपडेट कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल में ओके। तो यहाँ पर लिखना है वेयर कंडीशन और यहाँ पर स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट और यहाँ पर ब्रांच ठीक है ओके स्टूडेंट आईडी आना था यहाँ पर ठीक है क्योंकि हम स्टूडेंट आईडी देंगे ना यहाँ पर तो यहाँ पर लिखना है 10 ओके। तो अब जो आपको वहाँ पर दिखाई देगा BSCS ओके। तो गो करता हूँ गाइस यहाँ पर मैं तो देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट और यहाँ पर देखिए आपको शो हो रहा है BSCS ओके। तो पहले BSIT शो हो रहा था तो गाइस क्यूरी जो है हमारी वो